हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एशियन गेम्स 2022 से रिलेटेड सभी टॉपिक जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम एंड अदर एग्जाम सभी भी पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के व्यू से। तो यहाँ पे सभी टॉपिक को देखिए ध्यान से, जो भी मुझे अवेलेबल हो सका है, और जो भी अवेलेबल नहीं हो सका है एक और वीडियो बना दूंगी, लेकिन यहाँ पे सभी डिटेल में दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि एशियन गेम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एशियन गेम फादर ऑफ एशिया कहा जाता है प्रोफेसर जीडी सोंदी को। जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है बैरन पीरेडी कुबर्टिन को, उसी प्रकार एशियन गेम को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है प्रोफेसर जीडी सोंदी को। इसलिए प्रोफेसर जीडी सोंदी को एशियन गेम का पिता कहा जाता है। और एशियाई खेल का नामकरण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और एशियन खेल का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है ईवर आनवर्ड, यानी हमेशा आगे की ओर। एंड एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है उगता हुआ सूर्य के साथ 11 छल्लों के साथ। एंड एशियन गेम का कार्यकारी परिषद होता है, इसका संचालन करता है OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका गठन 1982 में हुआ था। मुख्यालय कुवैत के शहर हवाले में है। एंड एशियन गेम की शुरुआत हुआ था 1951 नई दिल्ली भारत में ही। और यह जो 2022 एशियन गेम्स है यह 19वां संस्करण है। इससे पहले 2018 में 18वां संस्करण इंडोनेशिया के जकार्ता पालेमबांग में हुआ था। तो इसके बारे में जानते हैं 2022 के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि ये कहाँ पे आयोजन हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था ह्वांगझोउ चीन में। कहाँ पे हुआ था 2022 का 19वां संस्करण है ये। कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। और आयोजन हुआ था ह्वांगझोउ चीन में। एंड कब हुआ था? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ था। और क्यों 2022 में इसको होना था, तो क्यों 2023 में हुआ? क्योंकि यह 2022 को कोविड-19 के कारण एक साल इसको स्थगित कर दिया गया था। इसलिए 2023 में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इसको संपन्न किया गया। इसकी अध्यक्षता कर रहा था एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA, इसका फुल फॉर्म है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका गठन 1982 में हुआ है। जिस प्रकार ओलंपिक का संचालन IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करता है, इसी प्रकार एशियन गेम्स का संचालन यानी कार्यकारी परिषद होता है OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एंड यहाँ पे कुल खेल शामिल हुए थे 45 एंड 1100 एथलीट। भारत के एथलीट 2023 में 655 और 2018 में 570 शामिल हुए थे। और जैसा कि एशियाई खेल का पहला संस्करण 1951 नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। एंड दोस्तों, एशियन गेम 2022 में शामिल कुल देश कितने थे? 45 देश शामिल हुए थे। एंड अब बात कर देते हैं इसके शुभंकर की। इसके शुभंकर में क्या था? तो दोस्तों, यहाँ पे एशियन गेम्स के शुभंकर है चीन में, ह्वांगझोउ चीन में हुआ था, तो चीनी भाषा में ही है। चेनचेन कांग कांग लियान लियन, यानी कि इसका मतलब होता है तीन भविष्यवाणी रोबोट। क्या है? तीन भविष्यवाणी रोबोट यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसका आदर्श वाक्य है यानी कि दिल से दिल, ये आपका आदर्श वाक्य है 2022 का। एंड अब बात करते हैं कि एशियन गेम 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। सबसे पहले कुल पदकों की बात कर लेते हैं, जिसमें से भारत ने 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत में 2022 में कुल 107 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं भारत 2022 में। कुल कितने पदक जीता है? 107 पदक जीता है। तो भारत 107 पदक जीता है, जिसमें से 28 स्वर्ण, 38 रजत एंड 41 कांस्य पदक जीता है। कुल 107 पदक, यानी कि पहली बार भारत ने एशियन गेम में
100 पार किया है, यानी 107 पदक जीता है। और पहला स्थान पर कौन है विश्व में, तो चीन है पहला स्थान पर, चीन पहला स्थान पे है, चीन पहला स्थान पे है जो 200 स्वर्ण पदक जीता है एंड 111 रजत पदक, 71 कांस्य पदक, यानी कुल 382 पदक चीन ने जीता है। एंड दूसरा स्थान पे है जापान जो 51 स्वर्ण 66 रजत 69 कांस्य पदक के साथ कुल 186 पदक अर्जित किया है। एंड चौथा स्थान पे हमारा भारत है जो 28 स्वर्ण 38 रजत 41 कांस्य पदक कुल 107 पदक अर्जित किया है। इसमें से 28 स्वर्ण जो है पदक जो भारत जीता हुआ है, याद रखिएगा भारत कौन स्थान पे है, चौथा स्थान पे, ये भी क्वेश्चन अवश्य आता है। तो यहाँ पे 28 स्वर्ण पदक एशियन गेम 2022 में भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष टीम ने जीता है, टीम इंडिया महिला क्रिकेट में T20 में जीता है, टीम इंडिया घुड़सवार में डीम डेसेज ने जीता है, शूटिंग 25 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम ने जीता है, शूटिंग 50 मीटर राइफल सिक्त कौर समरा ने जीता है, एंड शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में पुरुष टीम, शूटिंग 50 मीटर राइफल में पुरुष टीम, शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक गुलिया टेनिस मिश्रित युगल टीम ने जीता है। एंड स्क्वैश में पुरुष टीम ने जीता है स्वर्ण पदक, शूटिंग में पुरुषों की ट्रैप टीम ने, एथलेटिक्स में 3000 रेस में अविनाश सावले ने जीता है, याद रखिएगा एथलेटिक्स में 3000 मीटर रेस में जीता है अविनाश सावले ने, पुरुष गोला फेंक में यानी शॉट पुट में तजिंदर पाल सिंह तुर ने जीता है गोल्ड मेडल, एंड एथलेटिक्स में 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने जीता है गोल्ड मेडल, महिला भाला फेंक में अन्नु रानी ने जीता है गोल्ड मेडल, तीरंदाजी में यानी आर्चरी में मिश्रित टीम ने जीता है, एंड पुरुष महिला पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने फिर यहां पे गोल्ड मेडल अर्जित किया है, जैसा कि 2020 टोक्यो जापान ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ही था, एशियन गेम में भी जीत लिया, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स में भी उन्होंने जीता है, तो ये लगातार गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं नीरज चोपड़ा। एंड 18वें में है पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में टीम ने में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, एंड तीरंदाजी टीम कमांड में महिला ने जीता है, स्क्वैश मिश्रित युगल टीम में भी जीता है, तीरंदाजी में टीम कमांड पुरुष ने भी जीता है, पुरुष हॉकी में टीम इंडिया जीती है स्वर्ण पदक, हॉकी में भी स्वर्ण पदक जीता, तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा बेन्नम ने, तीरंदाजी ओजस प्रवीण देवताले ने, यानी तीरंदाजी में 2-3 स्वर्ण पदक हो गया, महिला कबड्डी टीम इंडिया ने जीता है स्वर्ण पदक, याद रखिएगा महिला कबड्डी टीम ने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है, बैडमिंटन मिश्रित युगल टीम ने जीता है गोल्ड मेडल, क्रिकेट पुरुष टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल, पुरुष कबड्डी टीम इंडिया ने महिला यानी पुरुष कबड्डी महिला कबड्डी दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, इस प्रकार 28 गोल्ड मेडल यहाँ ने भारत ने जीता है, तो याद रखिएगा। एंड यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि भारत ने एशियन गेम 2023 में 28 स्वर्ण 38 रजत 41 कांस्य पदक सहित कुल 107 पदक जीते हैं, और भारत का चौथा स्थान है, पहला स्थान चीन का है और दूसरा जापान का है। एंड यहाँ पे देख लेते हैं पहला एशियन गेम कब शुरुआत हुआ था, 1951 नई दिल्ली में पहला स्टार्ट हुआ था, एंड फिर आपका होता है 14वां एशियन गेम 2002 में बुसान में हुआ था, एंड 15वां एशियन गेम 2006 दोहा कतर में हुआ था, एंड 16वां एशियन गेम 2010 ग्वांगझोउ में हुआ था, एंड 17वां एशियन गेम 2014 इंचियोन दक्षिण कोरिया में हुआ था, एंड 18वां एशियन गेम्स 2018 जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक के इतिहास में एशियन गेम में भारत ने 107 पदक पहली बार जीता है वांगझोउ चीन 2022 एशियन गेम में, जिसमें से इससे पहले 18वां संस्करण था उसमें भारत ने 69 पदक जीता था, 15 स्वर्ण 24 रजत 30 कांस्य पदक। एंड 2022 में जैसे कि दोस्तों 1951 नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद दूसरी बार भारत में कब हुआ था तो 1982 नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें भारत ने 57 पदक प्राप्त किया था, यानी सबसे ज्यादा पदक यही पहला बार है जो 100 पार किया है, 107 पदक भारत ने प्राप्त किया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आगामी परीक्षा में जो मतलब आगे एशियन गेम होगा, तो ये संस्करण आपका 19वां संस्करण था, 20वां संस्करण एशियन गेम 2026 जापान में होगा, 21वां एशियन गेम 21वां संस्करण होगा 2030 दोहा कतर में। एंड और मुख्य पॉइंट देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जकार्ता 2018 में भारत ने 70 पदक जीते थे, 16 स्वर्ण 23 रजत 31 कांस्य पदक, अभी तक हम 69 पदक ही देखे थे, यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं। और जैसा कि पहली बार है जो एशियन गेम में भारत ने 100 पार किया है, 107 पदक जीता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह, यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रणधीर सिंह। तो ये था दोस्तों एशियन गेम 2022 के मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है। मेन चीज याद रखिएगा भारत कौन स्थान पे है, चौथा स्थान पे, कितने पदक जीते 107, कितने स्वर्ण जीते 28, कितने रजत जीते 38, कितने कांस्य जीते 41, कुल कितने जीते 107। ठीक है, भाला फेंक में पुनः नीरज चोपड़ा जी आ गए हैं, तो कुछ कुछ खिलाड़ियों का नाम याद कर लीजिएगा और ये इतना में आपका हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।